केरल की सीपीएम नेतृत्व वाली सरकार सबरीमाला मंदिर युवती प्रवेश संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को गलत तरीके से लागू करने के कारण केरल की कानून व्यवस्था बिगड़ी है, जिसका प्रभाव आम लोगों की दैनिक गतिविधियों पर पड़ रहा है। ये बात प्रज्ञो प्रवाह के राष्ट्रीय संयोजक जे नंद कुमार ने पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि सीपीएम गठबंधन वाली सरकार की दमनकारी नीति और सीपीएम कार्यकर्ताओं के हिंसक विरोध के कारण धर्मावलंबियों की मृत्यु हो चुकी है, कई घायल हो चुके हैं। महिलाओं सहित सैकड़ों धर्म प्रेमी बंधुओं को जेल में डाल दिया गया है। उन्होंने कहा कि हिंदू मंदिरों में केवल सबरीमाला मंदिर में 10 साल से लेकर 50 साल की आयु वाली महिलाओं को मंदिर में प्रवेश की अनुमति न देना 800 साल पुरानी परंपरा है। कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जहां पुरुषों के प्रवेश पर भी नियंत्रण होता है। उन्होंने कहा कि सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर उन्होंने पुनर्विचार याचिका लगाई है। सबरीमाला में प्रवेश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बताया हिंदू आस्थालु महिला, लेकिन वहां रास्ते में उतरे मुसलमान बुरखा लाड बुरखा पहनकर महिला लोग उतरे। ऐसे जो विमेन्स वॉल का खूब प्रचार हुआ, 50 लाख वहां खड़े हो गए। देखिए, उन्होंने जो पूरे केरल में भी नहीं किया विमेन्स वॉल, फॉर योर इंफॉर्मेशन आई एम गिविंग, केरला इज फ्रॉम कन्याकुमारी टू मंजेश्वर। इन्होंने जो बनाया कासरगोड टू ट्रिवांड्रम, ट्रिवांड्रम के बाद भी लगभग 70 किलोमीटर है कन्याकुमारी तक, और कासरगोड के बाद भी है लगभग 60 किलोमीटर मंजेश्वर तक। वहां उन्होंने नहीं किया, कर नहीं सकते हैं। मेन सेंटर्स पर जहां वृंदाकार जैसे लोग आए हैं नेता, वहां बहुत भीड़ इकट्ठा किया। मार्क्सिस्ट पार्टी कोशिश किया है तो हो सकते हैं, ज्यादातर पुरुष लोग आए थे ज्यादातर, लेकिन खूब प्रचार करने का एक जाल खड़ा कर दिया है इन लोगों ने, इसलिए ये सब आए। इस प्रकार का एक प्रचार है, संघ ये सब कुछ करते हैं। मैंने जो बताया 5000 लोग अभी केस में हैं, इसमें पूरे विश्वास के साथ मैं बता रहा हूं, आधे से ज्यादा लोग संघ से कोई रिलेटेड नहीं है। भोपाल से ईएमएस टीवी के लिए कैमरामैन डैनी खान के साथ राम पवार की रिपोर्ट।